हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष फुटान और आप लोगों का स्वागत है अर अकेडमी लाइव गेट यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही अच्छा आपके प्रिपरेशन के लिए ये एक चैनल है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम है आशीष फुटान, मैं एमटेक कर रहा था आईआईटी बॉम्बे से, कोरा का टॉप राइडर हूं, बहुत सारे आईआईटीज क्रैक किए हैं और ऑलरेडी 3 बार गेट क्वालिफाई कर चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा 1 मिलियन वॉच टाइम चल रहा है, बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे डेडिकेशन है। तो आप लोग जरूर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर गेट को सिलेक्ट करके आप लोग बहुत सारे फ्री लेसन्स को देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं गेट अनअकैडमी शॉर्ट्स, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा पाउडर मेटलर्जी के बारे में। पाउडर मेटलर्जी ये एक डिफरेंट टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा एक प्रोसेस के थ्रू। देखिए क्या किया जाता है, हमारे पास समझ लीजिए क्या किया हम लोगों ने, दो मेटल्स को लिया जिनके दोनों के प्रॉपर्टीज हमको एक जगह पर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनके, एटोमाइजेशन भी एक मेथड है, ठीक है। तो उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे उन बेस पाउडर्स को एक साथ रखेंगे, बाइंडर्स मिक्स करेंगे, उनमें लुब्रिकेंट्स मिक्स करेंगे, ठीक है, यहां डालेंगे और उनको इस मिक्सिंग चेंबर में डाल देंगे और मिक्स करना शुरू करेंगे। फिर मिक्स करने के बाद क्या करते हैं हम लोग उन्हें प्रेस करते हैं, जो भी हमको डिजायर्ड शेप चाहिए उसमें उसको हम लोग डाई के अंदर डाल के प्रेस करते हैं, ठीक है। अभी ये कच्चा है, यहां पर से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है ना, समझ लीजिए हमारा गेयर है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिला ये कच्चा है, मैं इसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसे सिंटरिंग में डालते हैं, यहां पर उसे बेक किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटरिंग। सर ये सब क्यों बता रहे हो आप, अरे पूछा जाता है गेट में, आपको क्या पूछा जाएगा पता है, प्रोसेस पूछा जाएगा कि किसके बाद क्या आता है, क्या हम लोग प्रेसिंग पहले करते हैं, क्या हम लोग सिंटरिंग पहले करते हैं, क्या हम लोग इम्प्रेगनेशन पहले करते हैं बाद में करते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये फिर सिंटरिंग में होके जाएगा, यहां पर पहुंचता है, ठीक है। यहां पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो बेक होके आ गया अब उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, अब मैं उसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाऊंगा तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। यहां पर आने के बाद हम लोग कुछ और इसमें सेकेंडरी प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेसेस करते हैं, फिर रीप्रेसिंग करते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट जो यहां पर है ना, इसे कहते हैं इम्प्रेगनेशन, ठीक है। इंसानों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा हम लोग कोई मटेरियल बनाए जो एग्जाम्पल के लिए खुद से लुब्रिकेट होते रहे, ठीक है, लुब्रिकेट होते रहे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ लीजिए बेयरिंग्स बनाए हैं, ठीक है, बेयरिंग्स हम लोगों ने बनाया है, तो हम क्या चाहते हैं कि वो ना धीरे धीरे लुब्रिकेंट को रिलीज करता रहे, तो हम लोग क्या करते हैं इस सिंटरिंग प्रोसेस के बाद हम लोग इसे इम्प्रेगनेशन में डालते हैं, ऑयल वगैरह मिक्स किया जाता है जो कि ना हमारे हमारे प्रोडक्ट के, ठीक है, जैसे ये एटॉमिक लेवल पे, तो इनके वॉइड्स में जाकर, ठीक है, इनके वॉइड्स में जाकर सारा ऑयल फिक्स हो गया रहेगा। अब जैसे ही इनके ऊपर बेयरिंग के ऑपरेशन के समय, ठीक है, जैसे ही इनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होगा तो ये जो ऑयल है ना ये धीरे धीरे निकलने लगेगा और लुब्रिकेट होने लगेगा, तो ये हम लोगों के पास इम्प्रेगनेशन आ गया है। तो ऐसे ही आपको ये प्रोसेस पता रहना चाहिए कि किसके बाद क्या होता है, ठीक है, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, प्रेसिंग, ठीक है, प्रेसिंग पहले आता है, फिर सिंटरिंग आता है, फिर हम लोग इम्प्रेगनेशन करते हैं, तो फिर फाइनल हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है अपने डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये नए जमाने का हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। ऐसे ही अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है तो आप लोग अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है, स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं जो कि फ्री में रहता है। आप लोग जरूर आइए, अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करिए, आप लोग स्पेशल क्लासेस में आइए और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत ही कम दाम में आप अपने प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। जरूर आइएगा क्लासेस में, आप लोगों को इंस्टेंट 10% ऑफ मिल रहा है आशीष फुटान कोड पे, इसे अप्लाई करिए और डिस्काउंट पाइए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया है तो 10% ऑफ होने के बाद आपको 22,500 का पड़ेगा। तो जरूर आइए, क्लासेस अटेंड करिए। थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट इन द क्लास, बाय बाय।